ठीक है गाइस, स्वागत है आप सबको फिर से एक नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो जो है अंडर 500 की रेंज में कौन सा हेयर ड्रायर बेस्ट है, कौन सा आपको लेना चाहिए। तो रिसेंटली मैंने एक हेयर ड्रायर परचेस किया है जो कि चो ब्रांड के तरफ से आता है, और मेरे को ये बेस्ट लगा 500 के अंदर। और क्यों बेस्ट लगा मैं आपको ये भी रीज़न बताऊँगा, मैंने इसको क्यों परचेस किया, मैंने फ्लिप्स का क्यों नहीं परचेस किया। बहुत सारे बंदे जो हैं कमेंट में बताएंगे जो आपने ये क्यों नहीं परचेस किया, ये क्यों परचेस किया, तो मैं उसका भी रीज़न बताऊँगा आपको। चलिए वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो गाइज़ बात ये है कि ये जो मैंने मंगाया है अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक हेयर ड्रायर है जो ब्रांड की तरफ से जो मैंने मंगाया है, ये 500 के अंदर बेस्ट हेयर ड्रायर है। ठीक है, तो बात कुछ ऐसा है, जो मेरे को जो इसमें फंक्शन मिल रहा था वो यही सेम फंक्शन मेरे को फ्लिप्स जैसे ब्रांड में मेरे को 3 से 4 हज़ार के रेंज में मिल रहा था, जो कि मेरा जितना पॉकेट अलाउ कर रहा था मेरे पॉकेट से वो हाई जा रहा था, इसलिए मैंने अंडर 500 ही मैंने ये लिया है। तो चलिए करते हैं बॉक्स अनबॉक्स और दिखाते हैं कैसा है इसका प्रोडक्ट और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं एक बार। तो गाइस बॉक्स कुछ आपको ऐसा पैकिंग जो है देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और यहाँ पे आपको पीछे में एक बिलिंग सेंसर मिल जाएगा जो यहाँ पे बिल दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे को कितने का पड़ा है, यहाँ पे 488 रुपीज़ का पड़ा है। ठीक है, तो मैंने ये ऑफ़र में लिया था। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और दिखाते हैं इसका प्रोडक्ट कैसा है। तो पैकिंग जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको बॉक्स कुछ ऐसा मिलता है चोबा ब्रांड के तरफ से, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको चोबा का ब्रांडिंग मिल जाता है। ये 2800 मॉडल है और इसका जो वॉट है यहाँ पे मेंशन किया है ये 2000 वॉट का है। अगर सेम आप अगर इस रेंज में अगर फ्लिप्स का लेते हो ना सेम फंक्शन वाला, तो ये आपको 3 से 4 हज़ार के रेंज में फ़्लिप्स का पड़ जाएगा, और 700 से 800 के रेंज में फ़्लिप्स का जो है आपको वो 750 वाट का मिनिमम आपको मिलता है वो हेयर ड्रायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा इसका बॉक्स है, और यहाँ पे कुछ चाइनीज़ में देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा है, क्योंकि ये चाइना का ब्रांड है, चोबा चाइना का ब्रांड है। तो ये मेरे को बेस्ट लगा अंडर 500 में। तो चलिए दिखाते हैं इसमें कैसा है प्रोडक्ट अंदर में। देख सकते हो आपको कुछ ऐसा हेयर ड्रायर मिलता है, और ये पैकिंग भी कुछ ऐसा है, और इसके अंदर जो है आपको दो क्लिप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप दो क्लिप होल्डर मिल जाता है जो कि एयर प्रेशर को लो करता है, एक स्ट्रेट वे में एयर एयर को ये फ्लो करता है। ठीक है, और ये है हमारा हेयर ड्रायर। तो हेयर ड्रायर कुछ ऐसा है, देखो इसमें क्या है, अगर आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, इसका यूज़ क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे आप इसको ऑन करते हो तो इसका एयर जो है ये चारों तरफ फैलता है इधर उधर, ठीक है, बट जैसे आप इस क्लिप को इसमें लगाते हो एकदम ये स्ट्रेट वे में एक एयर यहाँ से निकलेगा, जहाँ पे आप हेयर में आप इसको अप्लाई करोगे वहाँ पे एकदम स्ट्रेट वे में वहाँ पे वो अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। तो फ्लिप्स में क्या था, फ्लिप्स में मेरे को प्रॉब्लम ये थी, फ्लिप्स में मेरे को बस एक ही बटन मिल रहा था जिसमें ऑन ऑफ का बटन था, मेरे को हीट का ना ऑप्शन मिल रहा था ना कोल्ड का। ठीक है, बट यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, प्लस एक जो है ये एयर का प्रेशर बढ़ाने के लिए बटन नीचे मिल जाता है, यहाँ पे कोल्ड का ये ऑप्शन है। ठीक है, ये हॉट, ये टॉप नॉच हॉट का है। ठीक है, इसमें आप उससे भी ज़्यादा हीट बढ़ा सकते हो, और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल ही जाता है चोबा का। ठीक है, 2000 वॉट यहाँ पे देख सकते हो, 2800 मॉडल। तो ऐसा कुछ है ये प्रोडक्ट, तो मेरे को ये बेस्ट लगा 488 रुपीज़ में। तो चलिए इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं और देखते हैं कैसा है इसका प्रेशर, एयर का प्रेशर कैसा है दिखाते हैं, और मैं इसको यूज़ करके भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। ठीक है, और मैं भी आपको इसका यूज़ करके बताऊंगा कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, तो चलिए पहले मैं इसका लाइन दे देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने यहाँ स्विच दे दिया है, और अभी देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, ये देखो। तो वॉइस आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा कुछ आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे आपको हीट सेटिंग मिल जाता है। ठीक है, दो सेटिंग मिल जाता है, और यहाँ पे एक देखो ये एयर प्रेशर बढ़ाने के लिए है। तो ये देखो कि आप कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो, अब मैं ऐसा एयर फ्लो में बढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसको, ये देखो देखो। और यहाँ पे एक कोल्ड सेटिंग मिल जाता है, तो ऐसे आपको इसका ऐसे आपको प्रेशर पता नहीं चलेगा। तो मैं एक यहाँ पे मैंने प्लास्टिक रखा है, मैं यहाँ से अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ वो कितने दूर तक जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। फिर आप देख सकते हो वहाँ पे ये प्लास्टिक है, और मैं इसको यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, और देखो ये कितने दूर तक जाता है, ये नॉर्मल है, ये देखो ये नॉर्मल है। अब ये देखो अब मैं इसका प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ये देखो ऐसा है इसका ये प्रेशर। तो
ऐसा कुछ आता है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मेरे को 488 रुपीज़ में मेरे को बेस्ट लगा अंडर 500। तो आशा करेंगे गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा कर दें। और हाँ एक बात और, मैं इसका जो परचेज लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो चलिए गाइस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।